तालिबान ने 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति भवन में घुस चुके हैं। तालिबान ने अपना भावी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर होंगे। ब्रादर तालिबान के चार संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ब्रादर का जन्म उरुजगान प्रांत में 1968 में हुआ था। मुल्ला ब्रादर अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत के देहराउद जिले का रहने वाला पख्तून है। ब्रादर ने 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। रूसियों को देश से बाहर निकालने के बाद अफगानिस्तान में बने अलग अलग सरदारों के ग्रुप में लड़ाई छिड़ गई और फिर ब्रादर ने अपने बहनोई मोहम्मद उमर और एक पूर्व कमांडर के साथ कंधार में एक मदरसा स्थापित किया। यहीं पर उसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी, जिसका मकसद अफगानिस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। 5 साल चली उस सरकार में मुल्ला ब्रादर अफगानिस्तान के उप रक्षा मंत्री के पद पर थे। साथ ही उन्होंने कई प्रशासनिक पदों का काम भी संभाला था। जब 2001 में तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से मना कर दिया था, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और तालिबान सरकार की सत्ता समाप्त हो गई थी। इसी के बाद से मुल्ला ब्रादर भूमिगत हो गया था। भूमिगत होने के बावजूद मुल्ला ब्रादर ने आतंकवाद की कमान संभाल ली थी। हालांकि अधिक दिनों तक आजाद नहीं रह सका। उसे फरवरी 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पाकिस्तानी शहर कराची में अमेरिकी पाकिस्तान के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया। 2012 के आखिर तक मुल्ला ब्रादर के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। हालांकि उसका नाम तालिबान कैदियों की सूची में सबसे ऊपर था। हैबतुल्ला अखुंडजादा के बाद तालिबान के भीतर ब्रादर दूसरे नंबर का नेता है। तालिबान के साथ जब अमेरिका ने शांति वार्ता की शुरुआत की थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से मुल्ला ब्रादर को रिहा करवाया। ब्रादर को 2018 में रिहा कर दिया गया। तब इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। तालिबान ने अमेरिका के साथ दोहा में जो शांति समझौता किया है, उस पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के ही हस्ताक्षर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।